ये है दिल्ली दर्पण। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। मैंने वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस को खास बनाने के लिए भाजपा ने 7 दिवस का सेवा सप्ताह समारोह शुरू किया है। ऐसे में देश के हर कोने में जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है। दिल्ली के रानीखेड़ा में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने विशेष सेवा कार्यक्रम रखा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 70वां जन्मदिन है। पूरे देश के हर कोने में इसको बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सेवा सप्ताह बीजेपी ने कुछ दिनों पहले शुरू किया था, 20 तारीख तक सेवा सप्ताह चलेगा। ऐसे में दिल्ली और भारत के हर कोने में सेवा की जा रही है। आज जन्मदिवस है तो इसको और खास बनाने के लिए भी हर जगह इस तरीके के कार्यक्रम, सेवा के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। दिल्ली के रानीखेड़ा में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक बड़ा कार्यक्रम किया, जिसमें जरूरतमंद लोगों को फल वितरित किए गए। कोरोना के काल को ध्यान में रखते हुए मास्क, सैनिटाइजर वितरित किए गए और तुलसी के पौधे भी वितरित किए गए। पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहित कुमार ने बताया कि सेवा भाव भाजपा के हर कार्यकर्ता के दिल में है और पूरे साल इसी तरह से सेवा की जाती है। मोदी जी ने अपने एक भाषण में एक नया नारा दिया था, गंदगी भारत छोड़ो अभियान के तहत गांव रानीखेड़ा में चलाया जा रहा है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को अपील करता हूँ, अपने आसपास में सफाई पर ध्यान रखना है। कोरोना के टाइम में हमारे सफाई कर्मचारियों ने अपने जान का जोखिम डालकर काम किया है। मैं सभी कर्मचारियों को दिल्ली दर्पण चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर हर देशवासी उत्साहित है। खासकर भाजपा कार्यकर्ताओं में अलग ही ऊर्जा का संचार हुआ है। कोरोना काल में ऐसे सेवा भाव जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट।